यह दोस्तों ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि काफ़ी बेहतर लग रहा है देखने में। काफ़ी बड़ा इसमें स्क्रीन दिया गया है जो कि टच स्क्रीन है, और आप देख सकते हैं गाड़ी भी काफ़ी बेहतर बनाया गया है। और ये पूरा हम लोग देखने गए थे ओला का S1 प्रो जनरेशन 2, लेकिन अभी ये नहीं आया है, पहला ही मॉडल है। लेकिन फिर भी ये भी काफ़ी अच्छा गाड़ी है, हम लोग इसे एक्सचेंज करने के लिए आए हैं पेट्रोल गाड़ी से, क्योंकि उसमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है पेट्रोल गाड़ी में, और बहुत हम लोग सोच समझ के लेने आए हैं लोग का इलेक्ट्रिक स्कूटर। काफ़ी इसमें कोई खर्च भी नहीं है, कोई रनिंग कॉस्ट उस तरह का नहीं है, और पेट्रोल गाड़ी में बहुत ही परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो देखने में तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है गाड़ी ओला का, फर्स्ट बार पास से देख रहे हैं। सीट वगैरह भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, टच स्क्रीन दिया गया है जो कि आप म्यूजिक वगैरह भी इसमें आप आराम से बजा सकते हैं। सिर्फ इसका बॉडी है जो कि फाइबर का है, जो कि थोड़ा सा हम लोग को अच्छा नहीं लगा। और ये चार्जर दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा सा चार्जर है, और फास्ट चार्जिंग भी इसको करता है। 1.5 लाख से ऊपर हम लोग को प्राइस बताया गया है, और रेंज 180 किलोमीटर बताया गया है। ब्रेक लाइट वगैरह भी अच्छा लग रहा है, और इसमें इंडिकेटर वगैरह देने में काफ़ी आवाज़ करता है। इसका स्पीकर का जो सिस्टम है पर भाई बहुत हमको अच्छा शानदार लगा। और गाड़ी का जो कीमत बताया गया है 1.5 लाख के ऊपर बताया गया है, जो कि थोड़ा सा निराशा लगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा कीमत कम होना चाहिए। हालांकि गाड़ी का जो लुकिंग है वो काफ़ी बेहतर लगता है, चलने में भी काफ़ी शानदार है गाड़ी, और कोई खर्च वगैरह इसमें नहीं है, बिल्कुल एक मोबाइल की तरह है। आप घर पर चार्ज कीजिए और चलाइए, इसमें तो कुछ विशेष बताने वाला चीज़ है नहीं, क्योंकि आप लोग पहले से भी जानते होंगे। तो हम लोग इसको जो रेंज पर गाड़ी लेके जा रहे हैं 180 किलोमीटर पर, और पेट्रोल पर जो हम लोग का मिलता था माइलेज पेट्रोल गाड़ी में, वो 50 का एवरेज देता था, जो कि काफ़ी लोग परेशान हो जाते थे।